वेलकम बैक प्रोग्राम सुखनवर में, मैं हूं शकील जाजिब और हमारे साथ मौजूद हैं नहायत मोहतरम डॉक्टर पीरजादा कासिम रजा सदीकी साहब। डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मुशायरों की, शेरी तहजीब की, और उसके हवाले से दरसगाहों का किरदार भी उस पर हमने ज़ेर बहस आया। तो आप एक ज़ाती हवाले से मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब कब आपको ये महसूस हुआ कि आपके अंदर एक शायर मौजूद है और वो शायर बाहर आना चाहता है, तो क्या उसके बाद कोई बाकायदा किसी से इस्लाह ली या किसी से सीखा, या वो लोग जिन्होंने आपके अंदर के शायर की या अंदर की जो शेरी शख्सियत है उसे जिला बख्शी, कुछ उस हवाले से हमें बताइए। मेरा ख़्याल है कि वो दौर इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि उसमें शेर व अदब की एक तरबियत, यानी जो आपके माशरे में, आपके घराने में जो जो लोग उससे दिलचस्पी रखते थे वो आगे जारी रहती थी और रवा थी। सो मुझे तो खैर ये आसानी रही कि मैंने तो बचपन से, जब मैं किताब को किताब की तरह पढ़ भी नहीं सकता था लेकिन किताब से जुड़ गया क्योंकि मैं उस वक्त तस्वीरें देखता था। अच्छा। यानी उस वक्त से जब मैं पढ़ नहीं सकता था उस वक्त से किताब मेरे साथ, किताब मेरे साथ और आज तक मेरे साथ है, किताब ही किताब है। सो वहाँ से जुड़ के जो दूसरी बात मैं देखता था वो ये कि घर में जब भी बड़े जमा हों तो वो कोई ना कोई मौजू पे बात करते थे। अच्छा। और दलीलें देते थे और रद्द भी करते थे और अपने उसके लिए जो असातिज़ा के या उस ज़माने के जो अच्छे कहने वाले उनके अशार वो कोट किया करते थे। तो वो उससे वो दिलचस्पी पैदा हो गई कि ये शेर जो है ये कोई ऐसी चीज़ है जो 100 दलीलों पे भारी एक दलील। फिर स्कूलों में जैसे कि वो बैतबाजी जी बिल्कुल वो अगर हो याद करने पड़ते हैं शेर, तो वहाँ ये अच्छा था कि अगर थोड़ा बहुत जो भी हिस्सा मैंने उसमें लिया कि उसमें ज़रूरत पड़ती थी तो मैं खुद कह लेता। तो उससे वो तबीयत में रवानी जो है वो शुरू से थी, ये है। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है घराने का और वक्त का, वक्त के इसलिए कह रहा हूँ कि हर रेडियो से मशायरे, कॉलेजेस में मशायरे, पूरी फ़ज़ा बनी। तो वहाँ जाके और कागज़ कलम लेके और अच्छे अशार नोट करके और फिर उनको दूसरों तक पहुँचाना, इससे बन गया एक। कहा जाता है कि ये बाकी तमाम फ़नून की तरह शायरी भी एक ऐसा फ़न है कि जिसको सीखना, इसके जो रमूज हैं, इसके जो असरार व रमूज हैं वो ज़रूरी है। किस हद तक इससे इत्तफाक करते हैं कि शायरी को बहसियत फ़न जो है वो बाकायदा सीखना चाहिए या सीखना ज़रूरी है शायर के लिए? मेरा ख़्याल है इसका एक हिस्सा तो ये है कि शेर अब तो शायरी और वो मुअर्रा भी है। जी हाँ। लेकिन ये कि जो हम तक पहुँची और रिवायत के साथ जो आई है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद थीं कि रदीफ हैं, काफ़िए हैं, बहरे हैं, बहूर हैं। अब तो खैर तो नसरी नज़्म के ज़माने तक भी चले आए हैं। तो उस वक्त जब उसमें जाते थे तो उसके लिए ज़रूरी था कि आपको कुछ ना कुछ इल्म इसका ज़रूर हो, कि वैसे तो वो एक पूरा उनवान बन जाता है अगर आप उसे देखें कि उरूज जो है, इल्मुल उरूज पूरा उसको। लेकिन ये कि हर शख्स तो नहीं जानता, आपके अंदर जो ख़ास चीज़ होनी चाहिए वो ये कि आप उसकी परख हो और मौजू और ना मौजू। जी बुनियादी। हाँ, ये चीज़ अगर अब मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल तो बड़ा आम हो गया है ना, लोग कहे जा रहे हैं और उसे पहुँचाए जा रहे हैं, अब वो ये नहीं देखते कि इसमें गैर मौजू भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। तो उसकी इस्लाह हो जानी चाहिए थी। आप खुद ही कर लेते, किसी उस्ताद के नहीं जाते, मगर आप सिस्टम्स को देखते कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हमारे सीखना तो खुद ही पड़ता है। वो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जो बहरों के और उसके जो इसरार खुलते हैं तो वो जब तक आपका अपना जहन उसे तस्लीम नहीं करता, वो उसमें मुशक्कत नहीं करता, तो उस वक़्त तक शायर को ये भी बात दुरुस्त है कि अरूज को ज़रूरी नहीं कि अरूजदान बहुत बड़ा शायर हो या वो ठीक है, शेर की शेर का ताल्लुक कैफियत के साथ है बेशक, वो जो एक उसका फनी या उसका जो एक अरूजी पहलू है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है जिसमें उसका मजमून है, उसकी कैफियत है और उसका वो
तर्ज बयान है, उसका तरीका है, वो चीज़ें जो हैं वो अलग है। अच्छा, इसके सीखने में जी आपको भी इसका अंदाज़ा होगा, स्कूलों का बहुत हाथ था। जी बहुत हाथ था बेशक, इसलिए कि वहाँ उर्दू और वो ज़बान जो पढ़ाई वो तो खैर अपनी जगह, लेकिन वो जो होते रहते थे आपस में मुकाबले होते थे, तकरीरी मुकाबले होते थे, शेरबाजी के मुकाबले होते थे, इकबालियात के मुकाबले होते थे, उससे बहुत सीखता था आदमी। उसमें ये होता था कि अगर वो किसी के अंदर ये उसके लिए कोई थोड़ी एक रगबत है तो वो उसे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता था। और वो असल में उसमें तहजीब एक थी जो वक्त के साथ साथ बदलती चली जा रही है, और उस पर कारबंद होना, इसलिए कि वो हमारा और आपका उस आपसे पहले जो वक्त चला आ रहा है वो मुश्किल भी था, इसलिए कि वो जो तहजीबी रवैये थे वो बहुत मुख्तलिफ थे, आप उसे अच्छा कहें या, क्योंकि अगर कोई शख्स बहुत शेर कहने वाला और वो है और उसने अच्छी गज़लें कह ली और वो कह ली, अब वो किताब अपनी सामने लाने के लिए तैयार तो है मगर ला नहीं रहा, इसलिए वो कहता है कि मुझसे जो सीनियर हैं उनके तो अभी तक उनका मजमू कलाम नहीं आया। ये एक तहजीबी रवैया है, वो था, मगर ये कि बाद में फिर उससे निकले और चीज़ें बदल गईं, तो एक लिहाज से अच्छा है। अच्छा, आपके सामने अपने आपके सीनियर्स भी हैं, आपके हमअसर हैं और आपके जो बाद आने वाली नस्ल भी है, तो किस हद तक आप जो ये बाद की नस्ल है, आपके बाद भी मेरा ख्याल है कोई 4 दहाइयां 5 दहाइयां गुजर चुकी हैं जिनमें मुख्तलिफ, अगर हम पाकिस्तान के बाद से शुरा को दहाइयों की उसमें तकसीम कर रहे हैं, 70 की दहाई के शायर हैं, 80 की दहाई के, 90 की दहाई के, ये उसके बाद के 21वीं सदी के शायर हैं, तो क्या आपके तासुरात हैं जो बाद में आने वाली नस्ल है उसके हवाले से, कि उसमें जो शेरी रवैये या उसमें क्या इम्कानात अभी जो अब ख़ास तौर पर जो 21वीं सदी में गज़ल कही जा रही है या शायरी कही जा रही है, तो क्या कैसे देखेंगे? इम्कानात तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं जी, और उसकी असल वजह यह है कि वक्त और ज़माना जो है ना, ये बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। देखिए, इसमें दोनों तरह के मसाइल होते हैं कि जिस रफ्तार से पेस पे अगर वक्त चल रहा है, अगर आप उस रफ्तार में नहीं हैं, उससे हल्के हैं तो आप रह जाएंगे, और अगर आप उससे तेज़ हैं तो भी रह जाएंगे, इसलिए कि वक्त और ज़माना आपका फैसला करने वाला है। हाँ, तो इसमें बेहतर ये होता है कि वक्त और ज़माने की जो पेस है इस वक्त ज़रा तेज़ है, तो आप अपने आप को तैयार करें कि आप उसके साथ कदम ब कदम चल सकते हैं। तो इस वक्त जो लोग चल रहे हैं तो उनके तो बहुत इम्कानात हैं, और ज़ाहिर है कि वो इस वक्त एक रोशन दलील के तौर पर आ भी गए सामने, और आगे तक मैं देखता हूं कि उनके बहुत अच्छे इम्कानात हैं। यानी नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से। अच्छा, आपने तब्दीली की बात की, यानी जिस तेज़ रफ्तारी के साथ ज़माना और वक्त बदल रहा है तो उससे मजामीन भी बदले, शेरी ज़रूरियात भी बदली, तो हमने ये देखा कि वो पिछले 30-40 बरस में तजर्बे भी बहुत हुए। जी, शुरा ने बड़े तजर्बे किए, उसमें कुछ तजर्बे ज़बान के लिहाज से हैं, कुछ तजर्बे क्राफ्ट के लिहाज से हैं, कुछ तजर्बे मजामीन के लिहाज से हैं, तो इसमें क्या समझते हैं कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एक शायर को अपना टैलेंट तजर्बे की नज़र नहीं करना चाहिए? तजर्बा तो जाहिर है कि एक ऐसा वो है कि जो ख़ुद तजर्बा करता है वो बड़ा रिस्क वो लेता एक है। एक बड़ा आदमी होना चाहिए, इसलिए कि अगर कोई आम सा आदमी कोई तजर्बा कर ले और उसने कोई नई चीज़ उसमें पैदा कर दी इस तरीके से, तो उसे जानेगा कौन। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी कोई तजर्बा करता है, अपने आप को जिसने मनवाया हो पहले, जी मनवाया हो, अब आप उसके तजर्बे से और उस तजर्बे का हासिल जो है उससे मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन तजर्बा तो है। सो ये तो इसमें हमारे दौर में आते रहे लोग, और ये तजर्बात का सिलसिला चलता रहेगा। समझते हैं, लेकिन कैसी कमाल की बात है, नज्म में हम देखते हैं तो तजर्बात की शक्ल में हमें नज्म की हयात भी बदलती हुई नजर आती है, हमें नज्म के अंदर बड़ी बुनियादी तब्दीलियां नजर आती हैं, लेकिन गजल में बहरहाल अभी भी तजर्बों के बावजूद उसके अंदर कोई वाज़े तब्दीली नज़र नहीं। तजर्बे तो हैं और अच्छे हैं, सो
अब नाम आ जाएगा तो ज़फ़र इकबाल साहब को ले लीजिए, कैसे कैसे कमाल के तजर्बे और तजर्बे के लिए बड़ा जिगर चाहिए, बिल्कुल देखिए, तो वो उन्होंने किया। और इससे अगर हम पहले बात करें तो पहला तजर्बा तो गालिब के यहाँ से हमें नज़र आता है कि जब उन्होंने गज़ल के मजामीन बदले, बिल्कुल, तो दाद तो देनी चाहिए। माजरत के साथ के वक्त हमारे पास कम है, मैं बड़ी एक अहम चीज़ आपसे वो उस पर आपकी राय लेना चाह रहा था कि जैसी जिस तेज़ी से ख़ास तौर पर अब साइंस, आपका भी ताल्लुक साइंस से है, साइंस ने जिस तेज़ी से ज़माने को बदलना शुरू किया है, तो जो रवायती गज़ल के पैरामीटर्स हैं, मेटाफर्स हैं, जो इस्तारे हैं, जो तशबीहात हैं, या जो अब वो भी क्या नई गज़ल नए इस्तारात की और नई तशबीहात की या उनकी कोई एक नई शक्ल जो है वो नई गज़ल में आपको आने वाले 10 20 50 सालों में नज़र आ रही है? वो नज़र तो उस तरीके से नहीं आ रही, लेकिन आएगी। अच्छा। इसलिए कि उसके बगैर रास्ता नहीं, उसके बगैर रास्ता नहीं, अगर हमें आगे जाना है, यानी अब खत जो है वो खत्म हो गया। हाँ, तो खत एक बड़ा अहम इस्तारा था। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैसेजेस आ गए हैं या व्हाट्सएप आ गया है या जो, तो ये इसकी कोई, तो उसका एक रास्ता बनता चला जा रहा है, इस वक्त भी है, लेकिन इस वक्त क्योंकि हमारे पास उसकी रिवायत नहीं है तो उसे हमें अजीब अजीब सा लगता है, लेकिन यही होने जा रहा है जब ये रिवायत बन जाएगी, तो इसमें हमें खुशदिली से इसे देखना चाहिए, इसलिए कि ये तो होगा। सो नए लिखने वाले जो हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम या कोई ऐसी बात जो उनके शेरी सफ़र में उनके लिए एक उस्ताद की हैसियत से, एक बड़े शायर की हैसियत से जो उनके लिए रहनुमाई का काम करें? मेरा ये ख्याल है कि जो शेर कहने वाले हैं वो तो एक जज्बे के तौर पे, और वो रवां हैं, तो वो ज़ाहिर है कि हर रोज़ और हर वक्त वो शेर मौजू उनका हो सकता है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि हमें ये देख लेना चाहिए कि जब आप इजहार के दर्जों में आएँ, यानी तो उसमें आप ये देख लीजिए कि हमारे कुछ रिवायत भी है, कुछ वक्त और ज़माना भी है, उससे बिल्कुल बाहर नहीं हो जाना चाहिए। वाह, उसके साथ साथ आपको चलना है, तो वही आपकी पहचान बनेगी। हम चौंकाने की कोशिश में बाज़ औक़ात बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स जाने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा नहीं है। सो चौंका तो देंगे आप जब आप कहते रहेंगे, और फिर वो वाज़े तौर पे हो के सामने आएगा, आपकी किताब, आपकी शायरी और ये सब, तो लोग खुद पहचानेंगे, पहचाना जाएगा, नाम आपका आएगा। और बिल्कुल, नाम ऐसा आना चाहिए कि वक्त और ज़माना एक तशक्कुर के एहसास के साथ हो कि हाँ, इन्होंने बनाया। शामिल तो सभी होते हैं, सभी होते हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये कि निकल के कोई कोई बीच में से सामने आता है, लेकिन वो जो निकल के आता है उसके पीछे वो सब लोग शामिल होते हैं, शामिल होते जो हैं, जो उस काम में अपना अपना हिस्सा डालते रहे। ये तो है, ये बात तो है। क्या अभी कुछ हमें ताज़ा कलाम आपसे? मैंने अर्ज किया कि जैसे यादें इम्बिसाते गम, जैसे यादें इम्बिसाते गम शके बाई के बाद, वाह, जैसे यादें इम्बिसाते गम शके बाई के बाद, देर तक रोते रहे हम बज़्म आराई के बाद। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या जैसे यादें इम्बिसाते गम, यादें इम्बिसाते गम शके बाई के बाद, क्या कहने, देर तक रोते रहे हम बज़्म आराई के बाद, ऐ सरिश्ते शौक अब नापैद होकर देख ले। वाह, ऐ सरिश्ते शौक अब नापैद होकर देख ले, और क्या होना है इस होने की रुसवाई के बाद। वाह वाह वाह, और क्या होना है इस होने की रुसवाई, इस होने की रुसवाई के बाद, क्या कहने, इस होने की रुसवाई के बाद खुद को पा लेने की हसरत में बहुत रुसवा हुए। क्या अच्छा मिसरा, वाह वाह वाह, खुद को पा लेने की हसरत में बहुत रुसवा हुए, बहुत रुसवा हुए, कुछ सवा रुसवाइयां हैं अब शनासाई के बाद। क्या कहने, क्या कहने, खुद को पा लेने की हसरत में बहुत रुसवा हुए, अब सिवा रुसवाइयां हैं इस शनासाई के बाद। अब शनासाई के बाद बेमसाफत एक सफर दरपेश रहना चाहिए।
बेमसाफत एक सफर दरपेश रहना चाहिए। तीसरी किताब जो मेरी किताब का नाम भी बेमसाफत सफर है, शायद इसी से हो मुझे ख्याल आया कि बेमसाफत एक सफर दरपेश रहना चाहिए। सोचते हैं उम्र भर की ज्यादा पैमाई के बाद, वाह वाह वाह, सोचते हैं उम्र भर की ज्यादा पैमाई के बाद, क्या कहने। और कल मैं खुद से सिलसिला दर सिलसिला मिलता रहा। वाह, कल मैं खुद से सिलसिला दर सिलसिला मिलता रहा, आलमे तन्हाई जैसे दश्ते तन्हाई के बाद। वाह वाह वाह, आलमे तन्हाई जैसे दश्ते तन्हाई के बाद, आलमे तन्हाई जैसे दश्ते तन्हाई के बाद, क्या कहने। दिल में अब पहली सी वो गुंजाइशें बाकी नहीं, दिल में अब पहली सी वो गुंजाइशें बाकी नहीं। पहले एक दालान आ जाता था अंगनाई के बाद, क्या कहने। वाह 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 वाह, क्या गुंजाइशों को आपने तशबीह दी। दिल में अब पहली सी वो गुंजाइशें बाकी नहीं, पहले एक दालान आ जाता था अंगनाई के बाद, क्या कहने। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, एक फरमाइश में आपसे कुछ अशार करूंगा। एक दिया बुझा हुआ, जी, उसके जी, कुछ अशार जी 4-5 सुना दीजिए। अच्छा, तो मैंने अर्ज किया कि खून से जब जला दिया, क्या कहने, एक दिया बुझा हुआ। वाह 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 वा। खून से जब, ये सर्फ होना है, सर्फ पूरा होना, बेशक। खून से जब जला दिया, एक दिया बुझा हुआ, फिर मुझे दे दिया गया, एक दिया बुझा हुआ। एक ही दास्तान शब, एक ही सिलसिला तो है, एक ही सिलसिला तो है। एक दिया जला हुआ, एक दिया बुझा हुआ। मुझको निशात से फुजू, रंगे वफा अजीज है। मेरा रफीक शब रहा, एक दिया बुझा हुआ। और दर्द की कायनात, क्या अजीब शेर है, दर्द की कायनात में मुझसे भी रोशनी रही। वाह वाह वाह, दर्द की कायनात में मुझसे भी रोशनी रही, वैसे मेरी बिसात क्या, एक दिया बुझा हुआ। क्या कहने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपसे रही। आपके यकीनन जो हमारे सुनने वाले हैं और जो नए लिखने वाले हैं, जो नए शेर कहने वाले हैं, उनके लिए आपकी बातें एक मिशल राह की तरह हैं। और ये मेरी आपके तवस्सुत से और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से नए लिखने वालों से ये गुजारिश भी होगी कि वो असातिज़ा को जितना ज़्यादा पढ़ सकें, उनके हालात जितने ज़्यादा पढ़ सकें, उनसे जितना ज़्यादा फैज़ हासिल कर सकें, तो उससे उनके फ़न में भी और उनकी शख्सियत में भी और निखार आता जाएगा। बहुत बानो रहमत, आप हमें डॉक्टर साहब की कौन सी गज़ल सुना रहे हैं।
जख्म